हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। देखो, ये देख सकते हो राइट नाउ जो मेरे हेयर्स हो रहे हैं, लाइक कितने ज़्यादा वेवी हल्का। मेरे वैसे तो मेरे स्ट्रेट हेयर ही हैं, बट मेरे इतने वेवी नहीं हैं। बट थोड़ा सा होता है ना, एकदम फिनिशिंग वाले की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्ट्रेटनर का रिव्यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर में वैसे वेस्ट करे हैं। लाइक मुझे कभी अच्छा रिजल्ट मिला ही नहीं स्ट्रेट, जो मैं लाइक जो मेरे दिमाग में चलता था ना, मुझे जिस तरीके का भी लाइक एक्सपेक्टेशंस होती थी ना, उस हिसाब से मुझे नहीं मिलता था रिजल्ट। देन फाइनली आई थिंक कि मुझे एक अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना है, मतलब करना है, ठीक है। मैंने आप एक बार आप हज़ार आप सोचते हो चलो हम 1000 रुपये का ले लेते हैं, बट द थिंग इज़ नॉट मैटर। मैटर करता है कि चीज़ कितनी अच्छी है, मनी मैटर नहीं करती। बट अगर आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लाइक मैंने इसको जब ख़रीदा, मैंने लाइक मैंने आई गेस वेगा का मैंने ख़रीदा है, एंड दैट वाज बिल्कुल मेरे पैसे बेकार हो गए उसको लेने के बाद। वेगा का मैंने ख़रीदा एंड लाइक बहुत सारे ख़रीदे हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ मैंने मतलब ख़रीदे हैं, बहुत सारे ब्रांड के मैंने यूज़ करे हैं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला उस साथ हो गए। मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आए, मतलब दफ़ा करो, मुझे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगे। देन मैंने फाइनली सोचा एक अच्छे स्ट्रेटनर में मैं लाइक इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा और अफोर्डेबल जो स्ट्रेटनर मेरे दिमाग में चल रहा था वो था ये फिलिप्स का केरा शाइन हेयर स्ट्रेटनर, जो है ये विद केराटिन के साथ आता है, और मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसने अच्छा वर्क किया है। तो आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो प्राइस है वो है 2995 रुपीज़, यानी कि 3000 रुपीज़ इसका जो प्राइस है। इस पर जो मेंशन है मैं वो बता रही हूँ, और विद कैरश विद इस कैरेटिन के साथ आता है ये, और इसकी जो प्लेट्स हैं वो सेरामिक प्लेट्स हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वायर की लेंथ इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी खासी वायर की लेंथ है, ऐसा नहीं है छोटा सा है। और ये देखो, ओ माय गॉड, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा सुंदर, एक तो ये सुंदर बहुत लगता है। और ब्लैक कलर आता है, एक ये वाला है पर्पल कलर, मुझे पर्पल कलर चाहिए था, तो ब्लैक कलर आई गेस थोड़ा सस्ता भी आ रहा था, बट आई वॉन्ट दिस पर्पल शेड, तो मुझे पर्पल कलर चाहिए था। ये इतना अच्छा वाला हेयर स्ट्रेटनर है कि मैंने अभी तक जितने भी मंगाए, मुझे लगता है मैंने सारे के मतलब जो पैसे हैं वेस्ट कर दिए। देखो, ठीक है। अब जो हम यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे को स्लाइड करेंगे, तो इसका जो ये है ये खुल जाएगा, ये देख सकते हो आप। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए, ठीक है, यहाँ से और यहीं से ये क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन होगा ये, और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अच्छा, अब जो इसकी ये जो प्लेट्स हैं, ये सेरामिक की प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से ये केराटिन का इफ़ेक्ट देती हैं हमारे बालों पे। और सच्ची बताऊँ आप, और बाकी और हेयर स्ट्रेटनर आपने यूज़ करे होंगे तो आपको पता होगा, जब हम हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं हमारे बाल एकदम रूखे रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, उनमें कोई लाइफ लेस से बाल लगते हैं। एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे बालों में मुझे ऐसा कोई भी नुकसान ऐसा नहीं देखने को मिला अभी तक। 1 महीना हो गया मुझे, रोज़ नहीं करती बट कभी कभी करती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि आप स्मूदनिंग वगैरह करवा लो, तो यार गिव इट अ ट्राई टू दिस, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर लो। लाइक मुझे ये 2500 या फिर 2600 का पड़ा है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लेना हो तो। इसके ये जो प्लेट्स हैं ये आपके बालों को इतने अच्छे से स्ट्रेट करती हैं कि आपके बाल एक तो खिंचते नहीं हैं, मतलब खिंचते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती है, वो नहीं होता। और इसकी जो ये प्लेट्स हैं, ये सेरामिक की प्लेट्स हैं, जो कि आपके बालों को केराटिन का इफ़ेक्ट देती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप यहाँ से यहाँ से देखो टेम्परेचर अपना सेट ऑफ कर सकते हो, फर्स्ट पे रखना है फर्स्ट पे। अगर आपको लाइक ज़्यादा, अगर आपके बहुत कम आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, आपको बस थोड़ा सा और उन्हें ठीक करना है, जो मतलब थोड़े बहुत से हो जाते हैं ना, वो ठीक करना है, तो आप 1 पे रख सकते हो। अगर आपके वेवी हेयर हैं, लाइक कर्ल्स पड़े हुए हैं बालों में, लाइक अगर आपके घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर हैं, तो आप फिर सेकेंड वाले ऑप्शन पर जा सकते हो, वहाँ आपको हाई हीट मिलेगी। एंड ठीक है, आई थिंक 190 की हीट मिल जाती है यहाँ पर, हीट तो आप कंट्रोल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड हीट का मैं देख रही हूँ, ये अमेज़ॉन, बाय द वे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था,
अमेजोन पे आई थिंक ये अमेजोन नायका पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको अभी नायका पे भी मैंने नहीं देखा था, इसको आउट ऑफ स्टॉक ही देखा था। तो इसकी जो गारंटी है वो आपको 2 साल की गारंटी मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई गेस। और ये जो इसकी जो प्लेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, तो आपके बाल आराम से मतलब स्ट्रेट हो सकते हैं। तो चलो मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। ऑन हो जाएगा तो आपको इस तरीके की ग्रीन लाइट मिल जाएगी, आपको 60 सेकेंड देने हैं इसको हीटअप करने के लिए। एंड ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको जैसे भी रखना, यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ऑन भी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट पे रखना चाहते हो फर्स्ट पे रख लो, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए तो आप सेकंड पे भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी हीट करने से पहले मैंने अभी सीरम लगा रखा है ऑलरेडी मेरे बालों पे, मैंने लिवॉन सीरम ऑलरेडी मेरे बालों पे लगा रखा है, इसलिए मैं सीरम नहीं लगा रही हूँ। ऑलवेज मेक श्योर टू कि आप जब भी अपने बालों पे कुछ भी स्टाइलिंग करो, कुछ भी हीटिंग टूल यूज़ अगर आप कर रहे हो, तो प्लीज़ कोई भी सीरम स्प्रे आप ज़रूर लगाओ। और ये आप ओकेजनली करोगे तो अच्छा है, अगर आप डेली करते हो ना तो डेली मत करना यार, ओकेजनली करो कोई भी चीज़। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे आपको पता ही है कि वो नुकसान करती है, बट अगर आप इसे कभी कभी यूज़ करोगे वो भी प्रिकॉशन लेने के साथ, यानी कि आप कंसीलर वगैरह, वो कंसीलर बोल रही हूँ मैं, लाइक हेयर सीरम वगैरह अगर आप लगा लेते हो तो आपके मतलब बालों को नुकसान नहीं होगा, इतना डैमेज नहीं होगा। एंड चलो अभी 60 सेकेंड आई थिंक हो चुके हैं, तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ अब हमको स्ट्रेट करने कैसे हैं। लाइक मैं थोड़े थोड़े से पार्टीशन लूँगी, मैं पूरे बाल नहीं करने वाली, थोड़े से ही करने वाली हूँ, क्योंकि आपको दिखाना ही है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, नहीं तो मैं शूट कर लेती, ठीक है। अभी मैंने इतने हेयर लिए हैं, अब मैं इनको स्ट्रेट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फर्स्ट पर ही रखा है मैंने इसको, ज़्यादा हीटअप नहीं किया। एंड ये देख सकते हो, अब यहीं से इतना हीटअप हो गया ये कि थोड़ा सा ये धुआं निकलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि बालों में हमारे मॉइस्चर होता है। तो ये देख सकते हो, ये देखिए। और इसे यूज़ करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आपके बालों की शाइन चली जाती है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ड्राई से नहीं लगते, एकदम शाइनी हेयर इसको करने के बाद एकदम सॉफ्ट लगते हैं यार। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि आपके बाल जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने ये देखो फर्स्ट पर ही रखा है मैंने इसको, अभी आप देखना थोड़ा सा मैं और इसको करूंगी, तो आप आफ्टर एंड बिफोर देख लेना बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके बाल ज्यादा मतलब लाइक कर्ली हेयर है तो आपको एक काम करना है, आप अपने बालों को लाइक सेकंड पर करना, क्योंकि फिर वेवी हेयर्स में तो मैंने वन पर ही रखकर करी है, जहाँ आप देख सकते हो आफ्टर बिफोर। कैन यू सी माई हेयर? ओ माई गॉड, दिस इज लाइक, मैं इसे अब बंद कर रही हूँ। एंड ये देख सकते हो आप, ये देखो इनको देखो, एंड यू कैन सी दिस, दीज माई दीज हेयर, लाइक ये देख सकते हो आप। तो आप ये देख सकते हो मतलब आफ्टर एंड बिफोर यू कैन सी इन लाइक, ठीक है। ये है मेरा, ये देख सकते हो आप, ये नीचे से देख सकते हो आप, मैंने ये बंद कर दिया है। अब आपको डायरेक्ट इसे ऐसे नहीं रख देना, ठंडा करना है पहले, तब आप पैक करके रखना, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आप देखना, ये देख सकते हो आप, ठीक है। नॉल बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट सिर्फ लाइक 1-2 घंटे के लिए रखता है, इट होल्ड योर हेयर। ये मेरे बालों को लाइक इसने 6-7 घंटे मैंने खुद से ट्राई किया है, 6-7 घंटे क्या, मेरे तो ये 2 दिन तक स्ट्रेट रखता है, वो 2 दिन तक इसने स्ट्रेट रखा है। लाइक मैं फंक्शन पार्टी से होकर आ गई, देन मैंने नेक्स्ट डे आकर ऐसे ही सिर्फ ऐसे प्लेन सा जूड़ा बना लिया, अगले दिन मैंने जब अपने बाल खोले तभी मेरे बाल एकदम ऐसे नहीं लग रहे थे, एकदम स्ट्रेट थे। तो अगर आपको लेना है बजट में, अच्छा तो थोड़ा सा बजट में नहीं कहूँगी, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो नहीं ले सकती, बट हाँ अगर आपको लेना है तो आप प्लीज़ इसे डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा हेयर स्ट्रेटनर है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला हेयर स्ट्रेटनर, बाकी इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें आप ज़रूर डेफिनेटली जाना, अगर आप ले सकते हो इसको तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और आपके सामने है रिज़ल्ट, ठीक है। ये आपके सामने है जो भी रिज़ल्ट है, लाइक लगता ही नहीं है, एकदम लगता है कि यार पार्लर में भी इतने अच्छे नहीं करती, बिल्कुल कहीं से वेवी नहीं लग रही, लुक एट दिस, एकदम स्ट्रेट हेयर लग रहा है, ये देख सकते हो। और काफ़ी शाइनिंग भी है, और शाइन के साथ साथ मेरे बालों में लाइक ऐसे भी नहीं रूखे लग रहे हैं छूने में, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट है मेरे हेयर। सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट, इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए मेरे हेयर स्ट्रेटनर्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन स्टाइल विद मेघा। तो मैं
लाइक ऐसे अमेजिंग से वीडियो डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं थोड़ी बहुत अपडेट और लाइक थोड़ी बहुत अपडेट के लिए आप मुझे और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। मेरी वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी जो भी है, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।